हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, कई ऐसे सब्सक्राइबर दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि 376 अर्थात रेप केस या वर्तमान में जो कानून है उसकी धारा की बात करी जाए तो धारा 64 BNS भारतीय न्याय संहिता में क्या समझौता हो सकता है या नहीं। हालांकि समझौते से रिलेटेड कई ऐसे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन जो आज का यह वीडियो है, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर 376 में समझौता कर रहे हैं, रेप केस में समझौता कर रहे हैं दोनों पक्ष, तो किस ग्राउंड पे होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने चाहिए और साथ ही साथ क्या ऐसी बात होनी चाहिए जिससे कि लड़की पे भी ना कार्रवाई हो, लड़के पर भी कार्रवाई ना हो। कहने का मतलब, समझौते के एक समझौते से जुड़े एक एक प्रश्न का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। कोई भी तरह का सवाल शेष नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहला सवाल कि क्या रेप केस में समझौता किया जा सकता है या नहीं। देखिए, करना कराना वो अलग बात है। हर काम करने का दो तरीका होता है, एक लीगली एक इलीगल। तो अगर लीगली बात किया जाए तो 376 के केस में अर्थात रेप केस में धारा 64 में समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें स्टेट पार्टी हो जाता है, नॉन कंपाउंडेबल ये धारा है, ये समझौते वाली धारा नहीं है। अब दूसरा सवाल ये कि मान लीजिए भाई वो लड़की पीड़िता मुकदमा लड़ना भी नहीं चाह रही है, तो चीजें कैसे खत्म होंगी। तो या यूं कहें, किसी भी बात को लेकर दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है, लेकिन अब डायरेक्ट कोर्ट में पीड़िता ये भी नहीं कह सकती मैंने समझौता कर लिया है, केस नहीं लड़ना चाहती हूँ, उसी पे कार्रवाई हो जाएगी, तो होगा कैसे। देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीका बताएंगे, एक तरीका मैं भी बताऊंगा, जो और लोग तरीका बताएंगे उसको भी आपका उसका भी जिक्र मैं आपसे करूंगा। सही बात तो ये है कि मान लीजिए मेडिकल हो गया, 164 हो गया, सब हो गया, उसके बाद समझौता हो रहा है। देखिए, 164 में पक्ष में हो विपक्ष में हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 164 हो गया उसके बाद अगर आप चाहते हैं समझौता हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ एक समझौते की कॉपी या यूं कहें कि एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। वो स्वीकार करें ना करें, उसमें सीधी सी बात यही लिखी जाएगी कि किन्हीं कारणों से मैंने ये मुकदमा दबाव में आकर डर में आके ये लिखाया था, किसके डर में दबाव में आके, और आपको मेंशन करना पड़ेगा, या परिवार के डर दबाव में आकर ये मुकदमा किया था जो कि सरासर असत्य है, झूठा है, मैं अब इसे नहीं लड़ना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती इस पे कोई आगे कार्रवाई हो। इस तरह की जब बात लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट करे, वो खारिज भी कर सकता है। उसके बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे क्वेश्चन में, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप एक एफिडेविट तैयार कर जिसमें समझौता शब्द भी नहीं होगा, वो एफिडेविट अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं रेडी कर दूंगा, आपकी तैयार कर दूंगा, आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर बात भी कर सकते हैं। उस एफिडेविट को आपको अपने यहाँ के एसएसपी को, एसपी को, जो वरिष्ठ सीनियर सुपीरियर अफसर हो, उसको जाकर देना होगा, उसके साथ एक एप्लीकेशन देना होगा, पीड़िता को जाके वहाँ बयान देना होगा कि साहब मैं इस मुकदमे में अब आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। उसमें कारण भी दो चार दिखाने होंगे, अलग अलग मुकदमों में अलग अलग कारण, ये थोड़ी दिखाना होगा मैं समझौता कर ले रही हूँ, कर लिया है मैंने, या मैंने पैसा लिया कंप्रोमाइज के लिए, तमाम ऐसी कोई बात उसमें नहीं लिखी जाएगी। यानी कि कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी जाएगी जिसके तहत 182 में उसके पीड़िता के ऊपर ही कार्रवाई हो जाए। तो आप इससे बिल्कुल निशा खातिर रहिए कि भाई उस पर कार्रवाई हो जाएगी,
अब सवाल ये है कि जब वो एफिडेविट दे देंगे, वही एप्लीकेशन वही एफिडेविट लेके क्रिमिनल रिट आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ये बात है, पीड़िता नहीं चाहती, वो उसने एफिडेविट भी दे दिया है सुपीरियर अफसर्स को, तो उसमें आप होगा क्या, अब क्रिमिनल रिट में वहाँ होगा क्या। तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के फेवर में स्टे हो जाएगा, अरेस्ट स्टे मिल जाएगा और काउंटर फाइल करने के लिए डेट दे दी जाएगी। तो पीड़िता को वहां जाके हाई कोर्ट में काउंटर फाइल करना होगा, काउंटर भी उसी के फेवर में होगा, चूंकि अब कॉम्प्रोमाइज इंटरनल तो हो ही गया है, तो कॉम्प्रोमाइज के आधार पर उसको काउंटर भी दे देना होगा। काउंटर देने के बाद अभियुक्त तरफ से रिजवाइंडर लगेगा, फाइनल आर्गूमेंट हो जाएगी, केस हो जाएगा समाप्त। ये रहा लीगली तरीका आपका। मजिस्ट्रेट के यहाँ वाला भी हमने बता दिया, डायरेक्ट का हाई कोर्ट वाला भी बता दिया, जो आपको उचित लगे, जो आपको बेहतर लगे। और डायरेक्ट आप अगर लिख के गए कि मैं समझौता कर ले रही हूँ वगैरह वगैरह, तो समझो कि आपके ऊपर 100% आज नहीं कल कार्रवाई बनेगी। और कुछ लोग कहते हैं 164 का बयान अपने फेवर में दिला के FIR लगा दिया जाएगा। देखिए तीसरा भी रास्ता है, कुछ लोग का कहना रहता है कि मैं कंप्रोमाइज करा दे रहा हूँ, उसमें 164 का बयान टोटल ये कहलवा दूंगा कि उसने कोई मेरे साथ ऐसी घटना नहीं घटी, मैं डर दबाव में ऐसा बोल दिया, तो भी कार्रवाई नहीं होगी, FIR लग जाएगा, फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, या नॉर्मल धाराओं में ही कोई बात रह जाएगी, 376 कट जाएगा, धारा 64 कट जाएगी, रेप केस हट जाएगा, FIR लग जाएगा। चलिए एक बार मान लेते FIR लग गया, फाइनल रिपोर्ट लग गई, लेकिन स्टेट प्रोटेस्ट में चला जाएगा तो क्या होगा, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये कि मान लीजिए स्टेट प्रोटेस्ट में नहीं गया, तो क्या गारंटी है कि पीड़िता आज समझौते के बाद कल फिर वो प्रोटेस्ट ना फाइल कर दे, या वो हाई कोर्ट ना चली जाए उस FIR के खिलाफ, इसकी क्या गारंटी है। और मान लीजिए वो नहीं गई, हाई कोर्ट चला जाएगा, स्टेट चला जाएगा, स्टेट प्रोटेस्ट फाइल कर देगा तो क्या होगा, क्योंकि मामला तो ये स्टेट का है ना, केवल उस पीड़िता का थोड़ी रह गया है कि जब वो चाहेगी तब वो जो मन में आएगा वो कर लेगी। लेकिन हाई कोर्ट से जो मैंने रास्ता बताया उसके तहत आपका क्वेश जब हो जाएगा तो न स्टेट की कहानी रह जाएगी, न पीड़िता कोई भी कभी भी उस केस में कुछ होगा ही नहीं। अगर आपका भी कोई विचार है, कुछ सुझाव है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अपने मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।